नमस्कार, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण ANMLHB को स्टाफ नर्स से रिक्त पद पर प्रभाव जल्द से जल्द किया जाए। कई बार पत्र लिखने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह जानकारी प्रांत अध्यक्ष सुरेश गगनम्बर ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि कई बार आदेश होने के बावजूद भी अधिकारी अपनी मोहर नहीं लगा पा रहे हैं। अगर शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के कर्मचारी मंत्री के बंगले का घेराव करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने पहुंचे बिंदेश चौधरी, चंद्रकांत चौधरी, पार्वती मांझी, वंदना कुलक्षेत्र, सुरेश गगनम्बर आदि संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि अगर सरकार यह निर्णय लेती है तो सरकार के ऊपर अतिरिक्त कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और काम में सुधार आएगा, क्योंकि अनुभवी नर्स काम कर पाएगी। सुरेश गगनम्बर, प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ प्रदेश अध्यक्ष। आज हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बंगले पे हम आए थे, जो हमारी प्रदेश की समस्त जिले की बहनें आई हुई थी। आज जो GNM प्रशिक्षण प्राप्त विभागीय ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त है, उनको प्रभार के लिए बोलने के पद आए थे, बताने के लिए, क्योंकि शासन की तरफ से 3 पत्र जारी हुए थे प्रभार देने के लिए 2019, 2020 और 2021 में। स्पष्ट रूप से आज प्रथम से संबंध GNM प्रशिक्षणार्थी को पदभार दिया जाए। संचालनालय से पत्र जारी हुआ था, लेकिन उस एवज में आज दिनांक तक हमने संघ के माध्यम से विभाग को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कई बार पत्र के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन आज दिनांक तक कार्यवाही नहीं हुई। पूर्व में मंत्री जी के यहाँ से जो हमने पत्र दिया था, यहाँ से पत्र संचालनालय स्तर पर गया, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई। आज पुनः हम स्वास्थ्य मंत्री जी से वार्तालाप करी। आज भी उन्होंने यही कहा कि हम कमिश्नर से आपसे बात करते हैं, वहाँ से बोलेंगे कि क्यों नहीं आदेश जारी हो रहे हैं। आज उनका ये कहना था मंत्री जी से, अगर हमने मंत्री जी को जो ज्ञापन दिया उसमें स्पष्ट लिखा है कि 7 दिन के अंदर अगर हमारे समस्या का निराकरण नहीं होता है, GNM प्रशिक्षण जी को अगर पद प्रभार का आदेश जारी नहीं होता है, तो हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के बंगले पे ही धरने पर बैठने के लिए बात करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी, क्योंकि शासन की इसमें कोई गलती नहीं है। शासन ने पत्र जारी हो चुका है तो प्रशासन उसका पालन क्यों नहीं कर रहा। संचालनालय से पत्र जारी होने के बाद सभी समस्त CMHO ने अभी तक किसी को भी पदभार के आदेश जारी नहीं किए। हमारा यही कहना है कि पदभार के आदेश जारी करें सही तरीके से लिख के सभी CMHO को, और हमारा कुछ इसमें नट भी हमारी डिमांड है। इससे सरकार पे कोई आर्थिक भार भी नहीं आएगा, उसी वेतन पे उनको सिर्फ पदभार प्रभार का आदेश जारी करना है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। इसलिए कर्मचारियों में, पूरे प्रदेश के कर्मचारियों में रोष है। GNM प्रशिक्षणार्थियों में अगर नहीं होता है तो हम बात करेंगे, मंत्री जी के बंगले पे ही धरना देने की हम बात करेंगे। हम लोगों ने GNM का प्रशिक्षण लिया है, पिछले 5 साल से हम लोग प्रशिक्षण लिए बैठे हुए हैं। हमारे जितनी और भी 350 बहने हैं, इससे पहले भी हम स्वास्थ्य मंत्री जी के बंगले पे कई बार आ चुके हैं, उनको ज्ञापन भी दे चुके हैं। इससे पहले हमने उनको 4 जुलाई को एक आवेदन दिया था, ज्ञापन दिया था, उन्होंने हमें बोल दिया था आगे हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ, इससे फिर हम आज वापस आए हुए हैं। वापस हमने जो है आज ज्ञापन दिया, आज भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। ऐसा कोई उन्होंने हमें डायरेक्ट ऐसा बोला नहीं कि हम आप लोगों के लिए पदवार देंगे या आदेश करेंगे। इससे पहले उन्होंने लेटर लिखा 7 तारीख को, उस लेटर पर क्या कार्रवाई होती है द्वारा? अभी तक है ना, 7 तारीख के लेटर पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमने पूछा है तो उन्होंने भी हमें ऐसा कुछ बताया नहीं है, इसीलिए हम लोग वापस आज फिर आए हुए हैं। क्या कहा मंत्री जी ने आज? मंत्री जी ने भी आज कहा कि हम बात करेंगे, आपके लेटर को पढ़ेंगे, बात करेंगे, डायरेक्ट से बात करके हम बताएंगे।